हेलो गाइस, वेलकम बैक मानी ब्यूटी पार्लर चैनल। जय श्री श्याम। तो गाइस, आज की मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाती है सैलून से, और आज मैं आ गई थी सैलून पर 7 बजे ही, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स था उन्होंने कराना था हेयर स्टाइल। तो गाइस, इसी तरह से हम हेयर स्टाइल और मेक हल्का सा टचअप, थोड़ा सा लाइनर और मस्कारा वास्ते हल्का सा कराना था, तो फिर उसका तो मैं क्या ही ट्यूटोरियल दूँ आपको, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। तो फिर इसी के साथ गाइस, हमारी शॉप पे है ना, मेरी शॉप के आगे एक अंकल जी बैठे थे, तो फिर मैंने उनके लिए ना चाय मंगा दी। मैं कह यार, इन्होंने वैसे कुछ नहीं मांगा, बट मैंने चाय मंगा दी थी, और इन्होंने फिर मेरे से बोले अंकल चाय पिएगी बेटा, और बाद में ना अंकल ने स्पेशल बोला बेटा धन्यवाद, मतलब खुलवा के गेट को। तो फिर ऐसे, फिर इसके बाद हम ना हमारे 3K कंप्लीट हो गए थे गाइस इसी तरह से। तो फिर मैं 1K को हटा रही थी और 3K को लगा रही थी, और इसी तरह से मैंने केक को अटैच कर दिया है, और अब करेंगे हम 3 को। तो गाइस, इसी तरह हमने 3 को भी कर दिया है, तो ये रहा हमारा 3K। और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और इसी के साथ आज मेरे लिए किसी ने गिफ्ट भी भेजे थे, वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग के अंदर दिखाऊंगी गाइस, तो कंटिन्यू हमारे ब्लॉग के अंदर बने रहो। और धनतेरस पे हमने आज क्या लिया, मैंने आज शॉपिंग की है धनतेरस की, तो वो भी दिखाऊँगी। इसके साथ हमने मंगा ली है चाय और पेस्ट्री। मेरे को ये पेस्ट्री इतनी टेस्टी लगती है, और अब मैं है ना ज़्यादा दिक्कत तो कुछ खा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने पेस्ट्री मंगाई। अब ये आ गया गिफ्ट, और ये गिफ्ट हमारे लिए स्पेशल आया है रोहतक से, और किसने भेजा है, भारत ब्यूटी वर्ल्ड के नाम से इनकी कॉस्मेटिक शॉप है, और जैसे हमारे पार्लर से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो ज़्यादातर मैं इन्हीं से लेती हूँ। और गाइज, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं इनके प्रोडक्ट का, तो इसी तरह मैंने जो इन्होंने गिफ्ट भेजा था इसकी करते हैं ओपनिंग। और रियल में आप देखोगे ना, इतना सुंदर गिफ्ट था, और कलर तो इतना अमेजिंग था, मेरे को बहुत पसंद आया गाइज। और इसी तरह से देख सकते हो, मैंने एक हाथ से शूट भी किया और एक हाथ से इसको ओपन भी किया, तो ये है हमारा गिफ्ट। तो आप सोच सकते हो क्या आया होगा इसमें, बता दीजिए जल्दी से जल्दी। तो हमारा जो गिफ्ट था वो है ये, एक बोतल है हॉट एंड कोल्ड वाटर की, और इसके अंदर देखो कप हैं, तीन कैसे हुए देख बताओ, दो हैं बट एक इसके ऊपर देखो जो ये है ना, इसको बॉक्स ऑफ करने वाला, ये भी कप ही है इसकी, इस तरह से डेकोरेशन है, तो रियल में अमेजिंग लगा मेरे को। तो थैंक यू सो मच भारत भैया जी। तो यहाँ इसके बाद हम गए बाज़ार में, और बाज़ार इतना सुंदर लग रहा था, जो बाज़ार की रौनक थी वो तो चार चांद लगा रही थी गाइज। इसी तरह हम और भी आगे गए, और आपको जो हमने धनतेरस के लिए जो प्रोडक्ट लिए हैं, गिफ्ट जो लेते हैं वो चीज़ ली हैं, और आप सभी को भी लेनी चाहिए धनतेरस के ऊपर। तो इस तरह से मम्मा और मैं, हम दोनों मम्मा, मैंने बोला था कि आप जल्दी आ जाना, तो मम्मा समथिंग 6:30 बजे आ गई थी। और ये है गिफ्ट शॉप, और ये देखो 200 की लगी हुई हैं सेल्स, तो जल्दी आए। एक तो 100 की भी थी, और ये जो हमारे किन्नर्स भी बहुत सारे आए थे, ये ना दिवाली की वो लेते हैं पता, वो कुछ होता है इनका। तो अब हम चले गए ज्वेलरी शॉप पर, और अंकल जी लगे थे अपने फ़ोन में मगन हुए, और हमने यहाँ पर क्या क्या ट्राई करा वो आप देख सकते हो। हमने ली थी, मैंने ली थी मम्मा और मैं दोनों ही कड़ूली ले रहे थे, तो पहले मम्मा ने ये ट्राई कराई मेरे को, और फिर मेरे को कुछ खास नहीं लगी। एक तो मेरे को इतनी भारी पसंद नहीं है, और ख़ास कर ये पीच वाली, तो पैर मेरे इतने ब्लैक हो गए थे गाइस काम कर करके। तो अभी मैनिक्योर पेडिक्योर का टाइम है, वो मैं कराऊंगी। तो ये देखो, ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, बट ये मैं हमने लिया नहीं। फिर ये जो हमारे किन्नर थे ये यहाँ भी आ गए थे, और अंकल जी 100 रुपये दे रहे थे, तो बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर उसके बाद हम दूसरी शॉप पे चले गए, आपको दिख रहा हो, नोटिस किया हो तो आपने, वहाँ हमें कुछ समझ नहीं आया, और इस तरह से भैया ये दिखा रहे थे हमें जो कड़ूली, और फिर हम वापस अपने आ गए थे। हमने जो लेनी थी वो डिसाइड हो गई थी, बट आज हमने ली नहीं, हम सिर्फ डन करके आए हैं, कुछ पेमेंट पे भी करके आए हैं, ताकि कल जल्दी जाएं और लेके आने रह जाए। फिर हम गए बर्तन की शॉप पे, और बर्तन भी लेते हैं गाइस। तो हमें ये लेना था, मतलब था ऑलरेडी, बट हमने फिर भी नए लेने थे कुछ पीस, तो अब ले लेते हैं इस टाइम पर, धनतेरस पर लेते हैं। तो एक तो ये था, और एक और था, इनके पास दो ही थे इस टाइप में,
तो हमें शायद वो वाला ज़्यादा पसंद आया मेरे को तो, और वो थोड़ा सा भारी भी था तो अच्छे चलते हैं, तो इसलिए मेरे को ये वाला डेकोरेशन अच्छा लगा इसका डिज़ाइन। और इसी तरह से अंकल से हमें कराया, इनका वो माप के अकॉर्डिंग देते हैं जितना इनमें वज़न होता है उसी के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ से भी लेके हमने निकल गए। यहाँ भी हमने कुछ ही पैसे दिए और वापस से यहाँ भी हम निकल चुके हैं गाइस। तो इसी तरह से हम आ रहे थे, अब मैंने पार्लर भी वगैरह भी ऑफ करके मैं आ चुकी हूँ, और ये जे टाउन का एक कैफ़े हमारे यहाँ पर, तो इसकी डेकोरेशन देखकर तो मम्मी भी बोली देखो कितनी सुंदर सी चौपड़ी बनाई हुई है। मैं कहा हाँ मम्मा मैंने वीडियो बना ली है, तो इस तरह से देखो ये दे। फिर हम मेरे को सबसे अच्छा ये लगा ये ट्री, कितना सुंदर लग रहा था, बहुत रियल से देखते ना बहुत सुंदर लग रहा था गाइस। और इसी तरह से चलते चलते आ गए हैं हम एक ही घर पे, भी अच्छा लग रहा था मेरे को डेकोरेशन। और इसी तरह से फिर हमने कुछ शॉपिंग भी की घर के लिए। मैं दलिया खाती हूँ कुछ दिन से, क्योंकि मेरे को मिर्च वगैरह कुछ नहीं खानी, तो उसके लिए हमने लेना था दलिया। तो ये मेरी वीडियो चलती चलती छूट रह ही गई शायद गाइस। और इसी तरह से हम पहुँच गए आप शॉपिंग जहाँ से हमने दलिया लेना था, तो हम यहाँ से लेते हैं दलिया और उसके बाद हम जाएंगे घर पे। तो हमने गए अंदर और मन तो बहुत चीज़ों का कर रहा था, बट यार खानी नहीं थी, मम्मी लगाती डांट फिर मेरे को। तो गाइस इसी तरह से हमने लिया यहाँ से दलिया, और लास्ट में शायद ये 83 रुपीज़ का पैकेट था, तो मम्मी ने बोले मेरे को तो दो टॉफ़ी चाहिए, मैं मम्मा खुले दे दिया अंकल भैया ने। फिर हम गए आगे घर पे, और इसी तरह तक करते हैं व्लॉग का एंड। तो गाइस बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज कोई स्पेशल टॉपिक नहीं था, तो मैंने अपना होम टूर दे दिया और ये हमारे अनाय आ गई। और गाइज इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, तो कर लो जल्दी।